जस्टिस सूर्यकांत आज से हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। राज्य भवन में आयोजित सादे समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस सूर्यकांत ने हिमाचल उच्च न्यायालय के 23वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। जस्टिस सूर्यकांत ने वर्ष 1984 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से विधिक स्नातक की डिग्री हासिल की है। हरियाणा के जिला हिसार में मध्यवर्गीय परिवार में 10 फरवरी 1962 को जन्मे जस्टिस सूर्यकांत ने वर्ष 1977 में गांव के स्कूल में 10वीं की परीक्षा पास की थी। वर्ष 1981 में राजकीय स्नातकोत्तर डिग्री कॉलेज से स्नातक की थी। आज से जस्टिस सूर्यकांत हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे। शपथ ग्रहण समारोह में जस्टिस संजय करोल, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री सहित कई मंत्री, नेता, जस्टिस व अभिवक्ता मौजूद रहे। हिमाचल में जो ट्राइबल्स एरिया या जो गरीब तबका का जो व्यक्ति है उसको जल्दी से जल्दी और बिल्कुल सस्ता न्याय उसको और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ जस्टिस उसको प्रोवाइड करें और उस प्रायोरिटी के साथ जितने पुराने केस होंगे, जो जितने ओल्ड केसेस हैं उनको प्राथमिकता हम देंगे कि उन मैटर्स को हमारे सारे साथी मिलकर के पूरी टीम हम उसमें लगे और उसमें उनको जल्दी से जल्दी उनका निपटारा करें। न्याय में देरी हो जाती है, ये बहुत एक चर्चा रहती है हर जगह पर, इस बाबत जो है कुछ आपको देखिए, न्याय की देरी पे आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हम सभी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं शाम को और वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, वो हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, हमने उसको माइन्यूटली फॉलो करके उसको इम्प्लीमेंट करके ये इंश्योर करना है कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को स्पीड अप करें और जो एक जो आम जनता को कई बार ये इस किस्म का जो संदेह है कि डिले होता है, हर केस में डिले नहीं होता पर जिन भी केसेस में होता है उसका डिले हम समाप्त करें, उनको जल्दी ही जल्दी फैसला करें। सर, हिमाचल हाई कोर्ट में 13 पद जजों के स्वीकृत हैं जी, आपको भी लाके सर अब 9 पद हुए हैं तो 4 पदों के लिए आप अप्रोच करेंगे क्यों? आप मुझे समय दीजिए, सब कुछ होगा। सब कुछ होगा।